हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू आवर चैनल सपना स्ट्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, सैमुअल संगमा और रोजी संगमा के केस को नेचुरल डेथ बताया गया है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट की पुलिस ने भी उसे नेचुरल डेथ बताया है, लेकिन सैमुअल संगमा के पिता ये बात मानने को राजी ही नहीं है कि ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उनका बेटा कितना स्ट्रांग है। उसका बेटा इस तरीके का हरकत कर ही नहीं सकता है। इसीलिए सैमुअल संगमा के पापा इस बात से बहुत असंतुष्ट है कि उनका डेथ नेचुरल डेथ है। तो फ्रेंड्स, इस बात को लेकर सैमुअल संगमा के पापा ने बहुत सारे बयान दिए हैं। सैमुअल संगमा के पापा इस केस के लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं ताकि उनके बेटे और बेटियों को जस्टिस मिल सके। इसलिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए सीबीआई की मांग की थी। आखिरकार वो जीत गए, आखिरकार वो सक्सेस हो गए और सीबीआई इंक्वायरी अप्रूव हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागालैंड की एक सोशल वर्कर है जो सिस्टम को लेकर बहुत भड़की है। उन्हें ये पुलिस की सिस्टम, सीबीआई इंक्वायरी की सिस्टम अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि अभी तक इंक्वायरी की शुरुआत ही नहीं हुई है। वो भी इस सिस्टम को लेकर बहुत नाराज है। तो चलिए सुनते हैं कि सैमुअल के पापा और नागालैंड के सोशल वर्कर ने इस विषय में क्या बातें की है। तो चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं। दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली का सब का सब कोऑर्डिनेट करो। ऐसा करके एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हम लोग को घुमा रहा है, डायरेक्टली FM लॉस नहीं कर रहा है। बोला कि पहले भी FM लॉस नहीं किया, हम लोगों ने बोला कि मेंटल कंडीशन ऐसा नहीं था, बच्चा लोग सब लोगों ने समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी बोला कि ऐसे अभी डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं आप, मेडिकल बोर्ड का पास पहुँचाते गुरुग्राम से। फिर हम लोगों ने बोला कि दिल्ली का सर आप बात करो, सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह हर चीज़ वही है, हम वहाँ पर बात करो। In this previous video also, like I have already shared about this discrimination and racism which is happening out here in Delhi. Not only in Delhi, even in Bangalore, Mumbai, Jitna, जहाँ पे भी जाओ, हम लोग को नोटिस को सब जगह में भी discrimination, racism तो ये तो होता ही है। तो ये strongly I want to request all the Northeast का जो हायर अथॉरिटी है उन लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अभी देखो, अभी हम लोग का ब्रदर सैमुअल और ये रोज जो है, अभी वो सिर्फ संभव ये शिखर सर का उसका बेटा ही नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरा बहन है। और कितना डेथ होने भेजेगा घर में बताओ, कितना कितना लोग ऐसे करके यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा, मुंबई में पढ़ने के लिए भेजा, बेंगलोर में भेजा, उन लोग को डिस्क्रिमिनेट रेसिज्म कुछ ना कुछ ये करके। एक माँ पिताजी घर में इतना दुख तकलीफ करके उनका बेटा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई ये सब करने के लिए दिल्ली भेजता है, अच्छा इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो, नहीं तो जाके उधर में अच्छा से जॉब करो। अरे दे आर सो मच एजुकेटेड, सो दे सेंड आउट देयर किड्स, देयर सेंड आउट देयर चिल्ड्रन एंड ऑल टू गो एंड डू द गुड जॉब आउट देयर और एल्स गो एंड स्टडी इन द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अभी ये सब ये मरने के लिए तो नहीं भेजता है ना। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि सैमुअल संगमा के पापा और नागालैंड के सोशल वर्कर ने किन कठिनाइयों का सामना करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी दुख बयां की है इस वीडियो में कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को, और सिस्टम इतना स्लो है, सिस्टम इतना लेजी है, अभी तक सिस्टम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और हाँ, मैं रोजी संगमा और सैमुअल संगमा की अपडेट्स लेते आती रहूँगी। तब तक के लिए आपका प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।